देखो तो बच्चों, ये प्लम मॉथ है, जरा इसका इनलार्ज व्यू बनाया है मैंने, है ना। स्मॉल इंसेक्ट है ये, स्मॉल मॉथ। देखो इसका विंग्स का पैटर्न और बॉडी का पैटर्न ध्यान से बेटा, ठीक है। देख पा रहे हो मेरे बच्चों, देखो, है ना। देखो मैं इसके विंग्स का पैटर्न भी देखना, ऐसा ही मॉडिफाइड विंग्स होता है इनका, है ना। इसलिए ये प्लम मॉथ कहलाते हैं बेटा, ठीक है ना, प्लम मॉथ। देखो आगे से और दिखाता हूँ, ठीक है मेरे बच्चों, है ना। ये ऐसे ही दिखेंगे ही, है ना। प्रीडेशन से बचने के लिए इनकी बॉडी इस तरह से मॉडिफाई हुई है, ताकि प्रीडेटर्स इसके शिकार इसका शिकार ना कर पाए आसानी से, है ना। ये डेड दिखेंगे, ठीक है। देखो और दिखाता हूँ साइड से, पोस्टीरियर पोर्शन देखो इसका, ये देखो, ठीक है। लेग्स तुम देख सकते हो, देखो दिख रहा है। अच्छा दूसरे साइड से मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो, ठीक है मेरे बच्चों। प्लम मॉथ है ना, ठीक है। कटे फटे विंग्स दिखते हैं, लेकिन कटे फटे हैं नहीं, इसी तरह के होते हैं ताकि प्रीडेशन से बचा जा सके, है ना। ये कहीं बैठे रहेंगे तो इसको सूखे पत्ते समझ के या डेड इंसेक्ट समझ के प्रीडेटर्स इसका शिकार नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये इनकी खास बात है प्लम मॉथ की, ठीक है। ठीक है बच्चों, यदि तुम्हें मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करना, नहीं तो कोई बात नहीं है ना। और यदि लाइक करो तो सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, क्योंकि मैं अपने चैनल विज्ञानम पे हमारे गांव में पाए जाने वाले डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में अपडेट करता हूँ, जो हमारे साइंस के बायोलॉजी के सिलेबस में है भी बहुत सारा, ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों।